ये राजद जदयू के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इतना हिंदू समाज से बैर और सनातन से क्यों है, ये जानना चाहता है बिहार। तमिलनाडु से आवाज उठी हो, चाहे वो बिहार से आवाज उठी हो, इन लोगों ने तय किया है कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। बेटा अभिषेक, बिहार में सनातन को लेकर सियासत काफ़ी गर्म है। जगदानंद सिंह के द्वारा एक बयान दिया जाता है, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा टीका लगाने वालों को लेकर बयान दिया जाता है, जिसके बाद सम्राट चौधरी और शहनवाज हुसैन भड़क गए और साफ साफ कह दिया ये लोग घमंडिया गठबंधन के लोग हैं और इन लोगों को सनातन और हिंदू समाज से बैर है और ये लोग सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और सैयद शहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहले आप वो सुनिए। ये राजद जदयू के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इतना हिंदू समाज से बैर और सनातन से क्यों है, ये जानना चाहता है बिहार। देखिए, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने पूरी तरह तय किया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है और मुंबई की बैठक में इन लोगों ने तय किया था, उसी का एजेंडा लगाया है। चाहे वो तमिलनाडु से आवाज उठी हो, चाहे वो बिहार से आवाज उठी हो, इन लोगों ने तय किया है कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और साफ साफ कहा कि ये घमंडिया महागठबंधन वाले लोग सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हैं वहीं। आपको पता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया गया, देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी के तमाम जो सांसद विधायक और कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है और जगह जगह आज पूरे दिन भर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मुजफ्फरपुर से सकरा तक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही वो पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान एक छोटी सी सभा का भी आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया है, लेकिन बिहार में सनातन को लेकर सियासत गर्म है क्योंकि तमिलनाडु से जब उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं, उनके द्वारा बयान दिया जाता है सनातन धर्म को लेकर, जिसके बाद अब जगदानंद सिंह, जो बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि टीका लगाने वालों ने भारत को गुलाम बना दिया। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने घमंडिया गठबंधन बताते हुए साफ साफ कहा कि महागठबंधन के लोग सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं।